गुड मॉर्निंग दोस्तों, देखिए सुबह का टाइम हो गया और धूप बहुत ही भयानक वाली निकल गई है और आम इतने ज़्यादा थे, सब आंधी से आम झर गए। और इधर गाय छाटी पानी अपना खा रही है। यहाँ पे घर बनना स्टार्ट हो गया सुबह होते होते, लेबर मिस्त्री आ गए हैं और धूप इतनी तेज है। और डॉली इधर आ गई है मसाले पीसने, चल रहे हैं छोले बनाने मटर का, तो उसके लिए मसाले पीस लेती है, फटाफट नाश्ता बनाएंगी। और मम्मी घर पे नहीं है दोस्तों, चली गई है, थोड़ा शादी पड़ा है रिलेशन में, आज आ जाएगी, बस एक रात के लिए गई थी। तो इधर सब कुछ काट के रेडी कर दिए हैं, जिसमें सफ़ेद मटर, लहसुन, खड़ा और प्याज। और कुकर हो गया गर्म, तो ही फटाफट बनाएंगे नाश्ता। इधर बना रहे हैं नाश्ता, मटर में छौंका लगा दिए हैं और इसकी रेसिपी शेयर कर दी है कई बार, इसलिए मैं इस रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो अभी पहले हम नाश्ता बनाएंगे। तो इधर बन रहा है मेरे नाश्ता, इधर छोले पे पानी डाल दिए हैं, अभी छोले बन के रेडी हो जाएंगे, रोटियाँ बना के रख लिए हैं और तब चलेंगे नाश्ता करने। और अभी क्या हो रहा है, नहा धोकर पूजा पाठ करके फ्री, सब काम खत्म, नाश्ता बन जाएगा, तो नाश्ता करना है बस। अच्छा, और मम्मी ने कैसे कैसा लग रहा है? अच्छा, कब गई है मम्मी? कल। आज आ जाएगी? हाँ। बात हुआ था तुमसे? तो दोस्तों इधर डॉली रेस्ट कर रही है। और तुम क्या करने जा रहे हो जी? जी जा रहा है, अभी ये सो तो उठ के उठे हैं, डॉली ने पूजा वूजा कर लिया है और अभी हरीश तो अभी सो जाएगी, उसको भी जगाओ जी डॉली, कदो नाश्ता बन गया, अभी लेट हो जाएगा नाश्ता करने में, पारी पारा तो जगह के लाओ, कदो चलो जल्दी से नाश्ता बन गया, फ्रेश हो जाओ, नहा वालो। और तुम बस कहीं जा रहे हो? मम्मी मेरा कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, तो फटाफट से ब्रश करो, तब तक हम चलते हैं मोबाइल चार्ज में लगाते हैं और हरीश को जगा के लाते हैं, ठीक है? A few minutes later. तो इधर नाश्ता बना दिए, नाश्ता लगा दिए, सब लोग बैठ गए नाश्ता करने। और नाश्ते में देखिए छोले बने हैं, क्या टेस्टी छोले लग रहे हैं। इधर रोटी है और भुजा, भुजा छोले में डाल के बहुत अच्छे लगते हैं, अपना अपना पसंद है। और डॉली नाश्ता ठीक है? अरे जी पसंद आया? हमारे घर छोले बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, मटर का और रोटी, इसलिए हम ज़्यादा नहीं पर हफ्ते में एक दो बार बना लेते हैं। कैसा लग रहा है अनु? मस्त। तो दोस्तों ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, भी चलते हैं नाश्ता करते हैं, देखते हैं खाने में क्या बनेगा, जो बनाएंगे रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी इधर दोपहर का टाइम हो गया है और बहुत धूप हुई है और इधर किसी चीज़ का अभी खाना बन, सब्जी बन रहा है, तैयारी हो रहा है आज बेसन की सब्जी बनाने के लिए, काफ़ी देर से बस हरा सब्जी बन रहा है, तो सोचे थोड़ा कुछ अलग बनाया जाए। फिर हम बेसन ले लिए छान के, इधर प्याज टमाटर काट रहा है डॉली, क्या कर रही हो? छान के नहीं, चाल के ले लिए बेसन, छान को कहा जाता है उसको। क्या कर रही हो डॉली? लहसुन छुड़ा रहे हैं, जो बर्फी का जैसा बनता है ना? नहीं, वो नहीं, छान के बनाएंगे। अच्छा, छान के बनेगा तब सबसे अलग बन रहा है। तो इधर मसाले में मिर्ची, लहसुन और गरम मसाला है, सारे गरम मसाले को हम लोग कूट के बनाते हैं। और यहाँ पे है एक ढक्कन, मतलब एक चम्मच है पीला वाला सरसों, बस इतना ही। और इसको बारीक पीस लेगी, टमाटर प्याज और मसाले कंप्लीट हैं। इधर तेल रख दिए गरम होने के लिए और इधर ले लिए हैं बेसन, और अभी बेसन में हम डालेंगे अजवाइन है थोड़ा सा क्रश करके,
चुटकी भर मीठा सोडा, एक पिंच हल्दी, थोड़ा सा नमक डालेंगे, मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। तो अभी इसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसका वो बैटर तैयार करेंगे। इधर तेल हो गया गरम, छोटे छोटे बेसन का पकौड़े छान लेंगे। डालेंगे पंचफोरन, जैसे मेथी, सौंफ, अजवाइन, जीरा, प्याज डालेंगे। तो सारे पकौड़े बना के रेडी कर दिए हैं। टमाटर एक मिनट भून गया है, उसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाले, टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर। ये मसाले को अच्छे से भूनेंगे, ये तो मसाला तेरा लगने हो जाए। चावल भी धुल के रख दिए, अभी चावल सभी ग्रो फटाफट बन जाएगा। और इधर मसाले भुन गए हैं, मसाले अच्छे से भुन गए हैं, क्या फटाफट बन गया है। दो चम्मच बेसन था उसको भून के डाल दिए हैं। इधर आम का खटाई है 4-5, जब ग्रेवी में उबाल आ जाएगा तब इसमें हम डालेंगे बेसन बड़ी। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है, ग्रेवी गाढ़ी हो रही है। अब इसमें पकौड़े डाल देंगे, 4-5 मिनट पकाएंगे, सब्जी बनके रेडी। बस 4-5 मिनट तैयार हो जाएगा। A few minutes later. सर सब्जी बनके रेडी हो गया, फटाफट से लगा देंगे खाना। तो दोपहर का टाइम हो गया, धूप बहुत ही तेज हुई है, एकदम लग रहा है शरीर जल जाएगा, लेकिन आज लू नहीं चल रहा है, थैंक गॉड आज लू नहीं चल रहा है। और यहाँ पे खाना बना के रेडी कर दिया, सब लोग बैठ गए हैं खाना खाने। और कैसा लग रहा है, डेली हरा हरा सब्जी खा के दिमाग खराब हो गया था, कभी कुछ बदल के भी बनाना चाहिए। और बेसन की सब्जी के लिए मुझे कमेंट भी आया था, तो मैंने सोचा कि दे ही देते हैं रेसिपी। बहुत बढ़िया हुआ, बहुत मस्त डाली, बढ़िया हुआ। और हरीश जी, बहुत अच्छा खाना हुआ, मस्त। दोस्तों ये लोग खाना खा रहे हैं, हम भी चलते खाना खाते, मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।